खबर को आसिबा कोरापुट भोली एक आदिवासी बहुल जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज निर्माण पर खुशी प्रकाश करते छात्र छात्री तेज भारतमाला प्रोजेक्ट पर यह कॉलेज एवं माटी में मिश जाएगी अन्यत्र कॉलेज निर्माण पर निष्पत्ति सत तेबे ताहा केबे निर्माण हेबो ताकुने एबे बढ़ी चिंता तुरंत ए दिगरे पदक्षेप नेबाकु विभिन्न महल रु दाबी होईछि। भारतमाला पाई कॉलेज माटी रे मिसिला कोरापुट सेमिलीगुड़ा मॉडल डिग्री कॉलेज अन्य स्थान रे कॉलेज केबे निर्माण हेबो केन्द्र देइथिबा टंका विभाग फेरै देइछि। यह हूँ कोरापुट जिला सेमिलीगुड़ा पटांगी मुख्य राजपथ निकटस्थ कुतुंगा ठारे मॉडल डिग्री कॉलेज जहाँकि भांगी जाई माटी रे मिसी सारा को भांगिबा पछर कारण है रायपुर विशाखापटना भारतमाला परियोजना रास्तार नक्सा अनुसार अधिक जमी आवश्यक पड़ मॉडल डिग्री कॉलेज निर्माण होता जमी को मध्य अधिग्रहण कर ठिका संस्था कोठा निर्मित स्थान निज अधीन को नहीं बेले अन्य स्थान में कॉलेज निर्माण करने को निष्पत्ति नुआ कोठापाई 13,94,00,000 खर्च हो आकलन जहाँ को केंद्र सरकार मंजूर करलेज सेमिलीगुड़ा तहसिल अंतर्गत चारगाँ निकटने नुआ जमी चिह्नट हो तेरे जहाँ सूचना मिलू केन्द्र सरकार देदान को पूर्त विभाग फेरई जहाँफल मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापन नहीं लोकों मनरे आशा आशंका कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम असंतोष प्रकाश करने सहित तुरंत मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापन करिया पई दाबी करिसंती प्रोजेक्ट जेते बेले सैंक्शन हला सेते बेले से कोवाड रास्ता होसे ता प्रकृत होय सरकार को जणातिला सेते बेले से विकल्प करिया कथा सैंक्शन होबा परे परे जेते बेले काम आरंभ हला सेते बेले मध्ये जथेष्ट समय थिला एबे पूरा माटी रे मिसिला परे एबे विकल्प खोजा एहा ठीक लागुने एहा छात्र छात्री को सहित भविष्य सहित खेलला बेले लागु बहुत छात्र छात्री मानकर जीवन प्रति खेलुचंती बर्तमान से अस्थायी भाव मत डिग्री कॉलेज खुली पारि था बहुत डिमांड अच्छे लोकों बहुत चाहिदा अच्छी छात्र छात्री बहुत हरण होती राज्य सरकार बारंबार या कहलापर मत आज से ब्लॉक रे डिग्री कॉलेज हम ना नहीं कही जो न करेंगे आगामी दिन में आंदोलन हम मटी मिशी मॉडल डिग्री कॉलेज 2018 निर्माण होता एथपाई 20,00,000 रु अधिक टंका खर्च होता आदिवासी बहुल इलाकारे कॉलेज निर्माण पर स्थानीय लोके खुशी प्रकाश करते विशेषकर घर पाखरे कॉलेज थिबारु पाठपढ़ा प्रति पिलांकर भी बेस उत्साह देखा मिलता तेबे एबे नुआ कॉलेज कले केबे निर्माण हेबो एवं सेठाकु जिबा आसीबाकु नै मध्य चिंतारे अछन्ते छात्र छात्री एवं अभिभावक कोरापुट भी बहुत एमती स्टूडेंट्स अच्छे जमाने बहुत टैलेंटेड अच्छे आने चाहूँगी कि आगे जाए कि गोटे मानते सक्सेसफुल पर्सन हबु तो आम रिक्वेस्ट करचु गवर्नमेंट को कि टिके फैसिलिटीज बेसी दौ ताकि आम टे भल पढ़ी पार आगे टिके जीवु आउ कोरापुट ना रख निश्चित भाव दुखर विषय ये बड़ कोठा जिते हो सकता भंगा गला ठीक अच्छे अन्य जगह किंतु जल्दी शीघ्र से जगह आउ गोटे कॉलेज स्थापन कर छात्र छात्री मैंने जमी पढ़ा पढ़ी पारे सेटा हो गले आउट के भलो होंदा बोली आमे सरकार को निवेदन करछु कंस्ट्रक्शन आरंभ कर दे थांते तापर एटा भांगी थांते केबे हबो कोन हबो तार किछि आज पर्यंत सुराक मिलु नै सुनबा को पाउछु केवल से माने पैसा दे छथि गवर्नमेंट प्लेस कर छथि बोली किंतु गवर्नमेंट रो त घर निदरा सोइ छथि पर्यंत किछ करू नहथि आशा आशंका रे छात्र छात्रिन को भविष्यत तेनु ए दिगरे प्रशासन तुरंत ध्यान देबा सहित तुरंत कॉलेज निर्माण करबा को पदक्षेप नेबा को स्थानीय अंचल रे दाबी होईछि कोरापुट रो त्रिलोचन महाराणा भंजनगर जगन्नाथ प्रसाद एवं बुगुड़ा बनांचल विभिन्न गाँ खलिकोट इलाकार वर्तमान बाघ आतंक आठगढ़ पटना रे बाघ को देखी लोक भयभीत अवस्था दिन काटुंट अभियोग बाघ आसी प्रतिदिन छेली खाई जाऊपटे एजाए बाघ को ठाब कर पारिनि वन विभाग जहाँ को नहीं लोकों भितर बढ़ी जाइछि चिंता गंजाम खलिकोट बनांचल रे बाघ आतंक गत किछि मास होला दक्षिण और उत्तर घुमुसर बनखंडर विभिन्न गाँ गहली बाघ को नहीं भयर परिवेश अभियोग होउछि गाई बाछुरी को खाई जाउथिला बाघ यहाँ परे बाघ को धरिबा पई विभाग पक्षर विभिन्न जंगल रे जंता पका जाइथिला हेले बाघटी केउठी उभान होइगला तबे ए घटना को किछि मास जाई नेबे ब्रह्मपुर डिविजन तथा खलिकोट बनांचल कविसूर्यनगर आठगड़ पटना गाँव में बाघ आतंक
ସେହି ସମାନ ଧରଣରେ ବାଘ ଛେଳିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର 5ରୁ ଅଧିକ ଛେଳିକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଛେଳି ନେଇଥିଲି ଚରାଇବା ପାଇଁକିରି, ବାଘ ଆସିକିରି ଖାଇଲା। ଆମର 4-5ଟା ଛେଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର 3ଟା ଛେଳି। ଲାଗୁଛି ଖୋଜି ତ ମାଗିନା ଲୋକ ଯାଇ ବୁଲି ଧରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ବଣ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାଘକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଭୟ ଯେ ଲୋକେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ଖଲିକୋଟ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ପଡ଼ିଆ ମାଳେ ମିଡ଼ିଆ ଡର ଡରିକି ତ ତାକୁ ଆଗୁଳିକିରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଜନ୍ତୁ ଚରଉଛୁ, ସେ ମଝିରୁ ଆଇକିରି ବିଲେଇ ପରେ ଧରି ପଳଉଛି ଚୋର ପରେ ବେଳାବେଳୁ, ତା ସେ ମଝିରୁ ଏମିତି ଝିକିକିରି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଡ଼ାପତ୍ରୀ ବାଘ କି କ'ଣ କଣ୍ଠେ ନଳ ଧରିଥିଲା ଛେଳି, ମେ ମା ହେଲୁ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ, କହିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଯାହା କରିବେ ଆଉ, ଆମେ ତ ଜନ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ। ବାଘକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବୌଦ୍ଧରେ ବଣୁଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 25 ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ କପା ମାଣ୍ଡିଆ ପରିପରିବା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ବଘିଆପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। 2 ଦିନ ହେଲା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା 25 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଟ୍ରେ କେଉଁ ବନରକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କେବଳ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଷୀ ଏମିତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିଲି, ହାତୀ ଆସି ବହୁତ ମାଡ଼ି ଦେଲି, ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଧାଡ଼ି ପଣରେ କରି ଲେବର ଲଗାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଫସଲଟି ବାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଦାବି ସେମାନେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚା ପଣ ଦେଇ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜାର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଜାର କାହିଁକି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି? ମାର୍କେଟରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ମହିଳାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍କେଟ, ଏ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର। ରାଉରକେଲା ସହରର ଆଖପାଖ ବ୍ଲକର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମାର୍କେଟ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 45ଟି କେବିନ୍ କରାଯାଇ ସହରର କୋଏଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର, ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆର୍ଏମ୍ସିର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଶକ୍ତି ବଜାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆଖପାଖ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ରା ହେଇଗଲା, ଜରେଇକେଲା, ନୂଆ ଗାଁ ହେଇଗଲା, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବେପାରକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିକି ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଗଲା, ତା ସକାଶେ ଆଜି ଶକ୍ତି ବଜାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ୍ଟା ମିଳିବା କଥା, ଯୋଉ ସ୍ୱରୋଜଗାର କଥା କୁହାଉଛି, ଗୋଟେ ଠିଆବା ପାଇଁ କଥା ହଉଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ କି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଜିନିଷ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ହବ। ସେପଟେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ଏହା ପୁନଃ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି
आरएमसी कमिश्नर कहिछन्ति। ता उपरे हमरो चालू छी, सब सर्वे चालू छी, सर्वे देखिकरी हमें देखिबू से बिल्डिंग रा व्यवहार हेई पारे कि आहुरी किछ पदक्षेप नेबू हमें, ता उपरे आलोचना चालू छी, शीघ्र हमें ता उपरे किते पदक्षेप। लक्ष लक्ष टंका खर्च करी निर्माण होइथिबा एही बजार उपरे ध्यान देले अनेक महिलांको जीवन रे परिवर्तन आनी परंता। तेबे आरएमसी एने केबे पदक्षेप नउछि एबे ताहा उपरे समस्तक नजर। राउरकेलारु शुभम प्रधान को रिपोर्ट, दूर है गोपाळकंक दुख। सुवर्णपुर उद्घाटित है उम्फेडर नुआ कारखाना, उपकृत हेबे जिला तथा पड़ोसी जिलार दुग्ध चाषी। अत्याधुनिक ज्ञानकौशल उच्च क्षमता संपन्न कारखानार विभागीय मंत्री द्वारा उद्घाटित हो जाता बेले चाषी माने बेस खुशी अछन्ति। सुवर्णपुर देखंतु ए रिपोर्ट। दुग्ध चाषी को सरकार बड़ उपहार। सुवर्णपुर उम्फेडर नुआ कारखाना दैनिक 50,000 लिटर दुग्ध प्रक्रियाकरण, उपकृत हेबे हजार हजार चाषी। सरकार को कृतज्ञता जणाइले दुग्ध चाषी। चाषी और चाषर जिला सुवर्णपुर, धान चाष व्यतीत जिले अन्यान्य चाष व्यापक परिमाणे होउछि। दिनकु दिन गोपालन बा दुग्ध चाष व्यापक परिमाणे करा जाउछि। एभली समय दुग्ध चाषीों पर खुशी आनी देछि सुवर्णपुर जिले में खोली नूतन दुग्ध कारखाना। केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निर्मित यह कारखाना दैनिक 50,000 लिटर दुग्ध प्रक्रियाकरण हो पार। एथपाई 14,63,00,000 टंका खर्च होता बेले सुवर्णपुर जिला समेत बौद्ध, कंधमाल और बलांगीर जिलार किसी अंशर हजार हजार दुग्ध चाषी एकृत हुए। यह खुशी होगा सरकार को कृतज्ञता जन चाषी। मोर गाई अच्छा 30 बट, मोर क्षीर अच्छी 25-30 लिटर अच्छी। जेहेतु आम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे क्षीर प्लांट है ये आम बहुत खुशी। आउ आम बेजरोजगार भाई मैंने अच्छा भाई भाई मैंने अच्छा जरा गाई थी तार तार सस्ता चल पारे से लगे बहुत खुशी। आम सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। जेहेतु आम एरिया दुग्ध प्लांट नहीं थे, चाषी मैंने इड़े सड़े बिक्री करते असुविधा पाते सरकार 50,000 लिटर प्लांट है से लगे आम बहुत खुशी। दीर्घ दिन कारखाना तैयारी होते भी पूर्व सरकार यह कार्यक्षम करे बीजेपी सरकार आसवा पर 100 दिन पूर्ति पालन अवसर में यह उद्घाटन कर मत्स्य और पशुसंपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक यह कारखाना को उद्घाटन दुग्ध चाषी मानी यह सुवर्ण सुजोग आनी। उद्घाटन समारोह बलांगीर लोकसभा सांसद संगीता सिंहदेव, शासक दलर मुख्य सचेतक तथा बौद्धर विधायक सरोज प्रधान, वीर महाराजपुर विधायक रघुनाथ जगदला प्रमुख जोग देते। आमर जो प्लांट हूँ 50,000 लिटर कैपेसिटी आज इनॉग्रेशन है। आम इंटेनसीव प्लान करुँ कि बौद्ध आउ सोनपुर 50,000 दुग्ध उत्पादन यही वर्ष होमर चाषी क्षीरटा आसला पाश्चराइजेसन हो मिल्क पाउच हे डिफरेन्ट भेराइटर जमी प्रीमियम टोन आ गोल्ड एमती नुआ नुआ भेराइटर हम तांगे बसा दही आउ घी लगे भी आम प्रोसेसिंग प्लांट चल। 15 कोटी टंका व्ययर जो सोनपुर डायरी आज उद्घाटन करे सोनपुर अंचल तथा सोनपुर कंधमाल बौद्ध अंचल दुग्ध चाषी अत्यंत सहायक हम एखापाखी आमर 2,000 रु अधिक दुग्ध चाषी परिवार एथिरे उपकृत हे। दुग्ध चाषी बदलना भाग्य जिले में दुग्ध कारखाना प्रतिष्ठा जो एवं सुविधा मिल दुग्धजात खाद्य जिलावासी बेस खुशी। सुवर्णपुर सत्यवान पुरोहित, न्यूज 18 ओडिया। समय जाइछि नै जेबा एक छोटो ब्रेक ब्रेक परे रहिछि। कमिंग अप रो प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल, फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144। चॉकलेट नियो सुना पिला होई ट्रैफिक नियम मान लोकों को सचेतन करबा को ब्रह्मपुर उपकंठ दक्षिणपुरे लोकों को नियारा प्रयास। प्लाकार्ड धरी लोकों को सचेतन कले नियम मानुथिबा गाड़ी चालकों को खुआइले मीठा। कमिंग अप रो प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल, फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144।
नहेबारु चिकेन व्यवसायी क्षतिरे अछन्ति। एथिपाई व्यवसायी एकाठी होई मागणारे चिकेन पकोड़ा लोकंकु खुआइछन्ति आ निजे भी खाइछन्ति। चिकेन को नहीं सरकार तंकर किसी आभिमुख्य बर्तन स्पष्ट करना तेणु आम व्यवसाय असुविधा सामना करुचुड़ा व्यवसायी संघ सदस्य आगक धर्ममास कार्तिक आसुच श्रीक्षेत्र में पुणि जमीब हविष्याली भिड़ अक्टोबर 18 तारीख कार्तिक प्रतिपदार पवित्र कार्तिक व्रत आरंभ हो प्रशासन पक्ष पुरी में प्रस्तुति जोरदार जिलापा अध्यक्षत बस बैठक में श्रीमंदिर उन्नयन नीति प्रशासक अतिरिक्त जिलापा उपजिलापा सेवायत पहुंच आलोचना कर विशेषकर कार्तिक मासरे किभली नीति श्रृंखलित हविष्याली किभली शांति में दर्शन करेंगे सेने आलोचना होता चलित बर्ष भी पूर्व वर्ष भली श्रीक्षेत्र में व्रतधारी भिड़ लगे हविष्याली शिविर हो गतर भली चलित बर्ष नरेन्द्र कुणर वृंदावती नवास स्थायी कोठारे रे हविष्याली अक्टोबर 18 तारीख दिन मुख्यमंत्री मोहन माझी शिविर को हविष्याली शुभारंभ करेंगे अक्टोबर प्रथम सप्ताह हविष्याली अनलाइन पंजीकरण करें पंजीकृत हविष्याली से फोटो आधार कार्ड अपलोडिंग करने आलर्टमेंट तथ्य से दिज्व गत वर्ष प्राय 3000 हविष्याली व्यवस्था होती आ चलित बर्ष यह अधिक करने सेवायत दावी कर पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि होता घूर्णिबलय आज लघुचाप रूप ने प्रभाव में आज राज्य में प्रबल वर्षा संभावना विभाग विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं 12 जिला को येलो अलर्ट जारी हो मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कटक जगत सिंहपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर केन्द्रापड़ा प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट कर किसी जिले में हालुकु मध्यम धरण वर्षा होपे आसंता 26 जाए जारी रर्षा ब्रह्मपुर घरोई बैंक रे चाकरी देवाकु कही युवती को दुष्कर्म अभियुक्त को टाउन थाना पुलिस गिरफ्त करी गिरफ युवक पुरुषोत्तम प्रधान कलोनी रथ साईर रवींद्र महाराणा। श्रीमंदिर रत्नभंडार को नहीं बड़ अपडेट रत्नभंडार रही फाट छात और कांथे फाट या जमापड़ चट्टाण तले भी किसी अच्छी हृदबोध करुछि एनजीआरआई टीम आउ कार्तिक मास सरिले मरामत हो रत्नभंडार भितर एक भल्ट रूम करी आग हेलमेट पिंधि नथिले मिलुछि चॉकलेट सेपरी तीन जन बस गाड़ी चलाउथिले किबा गाड़ी स्पीड रे चलाउथिले भी चॉकलेट मिलुछि आपण भावुथिबे ट्राफिक उल्लंघनकारी को काहीं केठे दिया जाउछि चॉकलेट या पछर कारण हैला सचेतनता ब्रह्मपुर उपकंठ दक्षिणपुर दे जाइछि राज्य राजपथ एवं राज्य राजपथ 17 दे प्रतिदिन शह शह जानवाहन यातायात करिथाय भोर राति पर्यंत ए रास्ता रे जानवाहन रे भिड़ लागिबा सह प्रतिदिन छोट बड़ दुर्घटना भी होउछि आ ई दुर्घटना को रोकिबा नै नियारा पदक्षेप नैछथि दक्षिणपुर ग्रामवासी गत 3 मास हैला पाळी करी ग्रामवासी माने राज्य राजपथ कडरे हाथ में प्लाकार्ड धरी गाड़ी चालकंकु सड़क सुरक्षा नियम को नै सचेतन कराउछथि सेपरि जो माने बिना हेलमेट रे जाउछथि नियम को पालन करूनाहांती सेमानकु चॉकलेट दे सचेतन कराउछथि ग्रामवासी या द्वारा लोके सचेतन हेबा सह दुर्घटना संपूर्ण भाव में बंद नहले भी अनेक मात्रा कमी जो बोली आशा रखिता दक्षिणपुर ग्रामवासी कहते चॉकलेट जेपरी मीठा ठीक से हीपरी जीवन मध्य मीठा तेणु जीवन को एपरी दुर्घटन शेष कर दिंतु ना बोली ग्रामवासी माने अमानिया गाड़ी चालकों को बुझाऊ सचेतन समस्त हवा दरकार एवं गाँ सब गाँव रही लांजिया गकनपुर गुठबंद सब रोड गाँव उपर रोड अच्छी रोड गाँ दे जाए समस्ते लाइन रे स्कूल सैड रे अच्छे पिला गुड़ाक बस कि उठी ठिया आनी गाड़ी गाँव लोक मिसुजी जो करुचु यार कत दूर फलप्रद हम आम जन ना बट सरकार तरफ किसी गोटे नियम बाहर कि लोक फाइन लगे कि हम जोद्वारा कि गाँव में या लोक गुराक जे जो मेन रोड पर जत्ते लोक सब रोड साइड गाँव गुराक से सुरक्षित रही है 3 मास होला सचेतन करचो आमे लोक को जे गाड़ी स्लो चलांतु बस बस भी स्पीड चलाउची गाँ मझे केते बस भी कहलुणु दुनिया बस अच्छी आम लाइन रे जाऊँ दिगबन दे तो ताकु भी कहलु धीरे गाड़ी चलांतु तांको ड्राइवर सुनले मालिक मानक भी फोन कराला भी सुनले ताके कहते कि तुम ड्राइवर मान को कहो ताके धीरे करेंगे आम कहलुले भी सुनना आम अनुरोध करते निजर हेलमेट परिधान करूँ तो सहित जो
अत्यधिक स्पीड रे गाड़ी यात्रा करछन्ती न करी निजर धन जीवन रक्षा करबा सहित अन्य लोक जीवन बचाचु। सुवर्णपुर गोचालाण रोकबारे पुलिस विफल होता अभियोग एपरी अभियोग कले भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करतीवाद कर सुबलाया थाना घेराव करती युवगोष्ठी। सुवर्णपुर जिला सुबलाया थाना अंचल गोचालाण बढ़ुता बेले पुलिस पदक्षेप ने अभियोग। सुवर्णपुर संबलपुर सीमार गरियामुंडा निकट कंटेनर गोर चालाण होता बेले पुलिस जाणि भी पदक्षेप ने युवक मैंने अभियोग कर दुई दिन पूर्व एमती गोर बोझे कंटेनर को अटक रखी पुलिस को खबर दि जाता पुलिस बेपारी को सुरक्षा देवास घटना को चापी दे अभियोग एनी थाना घेराव करने उपयुक्त लोके दावी कर केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक नीलिकणा गांव में रही सिद्ध बलदेव जीव गोमंगल समिति जोठारे एबे 40 रु अधिक गाई रहुछंती। गोसेवा पई आवश्यक भित्तिभूमि एवं अर्थ अभाव जोगु ए गोशाला एबे दयनीय स्थिति रे अछि। मात्र 20 टी गाई रहिबा पई व्यवस्था थिबा बेले गोशाला रे 40 रु अधिक गाई रहुछंती जा फळरे गाईंकर जत्न नेबारे भी समस्या देखा देउछि। पूर्वतन मंत्री भागवत प्रसाद महांती एवं स्थानीय समाजसेवी बटकृष्ण प्रधान उद्यम 1998 मसीहारे गोमंगल समिति प्रतिष्ठा होइथि।